सो पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और इस बार मैंने की है 5 लोगों की पैकिंग, हालार की पैकिंग। ये वाली मेरी साइड है, ये सारे मेरे कपड़े हैं, अपनी पैकिंग की है मैंने। इसके अलावा मैंने की है आयरा की पैकिंग और माहीन शांजी की पैकिंग। ये वाली साइड आयरा की है और इस बैग में दूसरी साइड माहीन और शांजी की है। इस बार हम दो बड़े बैग्स कैरी कर रहे हैं बिकॉज मैं चाहती थी कि बैग्स कम से कम हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक और ट्रिप पे, समर वेकेशन पे, और ये मैं आपको ऐसे ऐसा बताती जाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल हम कराची से जा रहे हैं इस्लामाबाद, और आज की जो हमारी ट्रेन है वो है समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन, जो कि स्पेशली जून और जुलाई के लिए चलाई गई है, तो उसका भी रिव्यू करूंगी साथ साथ। और आज सबसे स्पेशल बात ये है कि मेरे साथ मेरी नीसेस यानी कि शांजे, माहीन और आयरा अकेले जा रही हैं विदाउट देयर पेरेंट्स, तो ये भी बहुत फन होने वाला है ट्रिप पे। देखेंगे क्या होता है, कैसे मैनेज करती हूँ मैं सब कुछ। तो मेरे साथ रहिए, इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये तो इंट्रो में मैं बताना भूल ही गई कि इस ट्रिप पे सिर्फ मैं, हालार, माहीन, शांजे और आयरा नहीं जा रहे, बल्कि इस ट्रिप पे हमारे साथ जा रही है सिंधु, हेरा, उसकी फैमिली, सहर भाभी और उनकी फैमिली भी। तो हम काफी सारे लोग जा रहे हैं इस ट्रिप पे और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद, हैदराबाद है ना, हैदराबाद स्टेशन पे, और माहीन और रैना का बहुत दिल था नीचे उतरने का, सीमेंट को नीचे लेके आई हूँ। जी हाली, सामने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं हैदराबाद स्टेशन पे। कुछ लेना है तुम दोनों ने लड़कियों? कुछ नहीं लेना, देखने हैं स्टॉल, पर आगे चले बताओ। सिंधु ऊपर से वीडियो बना रही है हमारी और हम नीचे खड़े हुए हैं। ये दोनों चढ़ गई हैं और अब मैं भी चढ़ रही हूँ, क्योंकि हालात के रहे सिग्नल ग्रीन हो गए। हमारे कंपार्टमेंट में सुकून है बिकॉज एसी चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। बाहर बहुत गर्मी है, इनका ये हाल है। हैप्पी बर्थडे डियर सिंधु, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आज सिंधु की बर्थडे भी है और बच्चों को याद थी। फाई भाई आए भी करते हैं दोबारा, अब फाई भाई की भी बर्थडे है, फाई भाई को भी विश करेंगे हम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फाई भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। फाइनली केक भी आ चुका है हैदराबादी केक। शांति तुम्हें खिला रही है, पूरा खा लो सबके हाथों से। ट्रेन में ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकी मैं बिकॉज ज्यादातर सफर हमारा सोने में गुजरा। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे तो उनको सुलाना ही पड़ा, क्योंकि बाकी सब वरना डिस्टर्ब हो रहे थे और फिर बाद में हम भी सो गए थे। लेकिन ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो समर स्पेशल ट्रेन बहुत ही जबरदस्त ट्रेन थी, बहुत अच्छा सफर गुजरा, टाइमिंग्स बहुत अच्छी थी, कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। फाइनली हम लोग रावलपिंडी स्टेशन पहुँच गए हैं, स्टेशन आ गया है और अब हम उतरने लगे हैं। सब बहुत बेचैन हो गए थे क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई है, हालांकि सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, ट्रेन हमारी बहुत अच्छी थी, मगर फिर भी कैसा गुजरा आपका सफ़र? हो रहा बहुत अच्छा गुजरा, बस थक गए हो। कैसा गुजरा फरी आपका सफ़र? अच्छा। भाभी आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। आपका माइन? देखा सब यही कह रहे हैं अच्छा गुजरा। सिंधु आपका? बहुत अच्छा, खुशगवार गुजरा। एना आपका? बहुत इंटरटेनिंग। शांजे वाली बात, कैसा गुजरा सफर? अरे भाई हूज कॉलिंग, लेट मी चेक। चलो उतरने की करो, किसी नंबर से कॉल आ रही है। नहीं नहीं सैंबा जी का नहीं है, किसी और का है। तो हमारे सामान जो है वो ऑलरेडी शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, वहाँ हमने रख दिया है। ये रे बैग्स हमारे,
और ये स्टेशन पे गाड़ी रुक गई फाइनली। या अल्लाह तेरा शुक्र जी। ये ले बैग, आप ये वाला पकड़ लें। मेरी बॉटल कौन पकड़ेगा? मेरी बॉटल फरिया, मेरी बॉटल पकड़। फरिया बहुत भारी है जानी, आप नहीं पकड़ पाओगे। फरिया इट्स टू हैवी, नहीं पकड़ पाओगे, आपकी कैपेसिटी से बाहर है जी। ताबी क्या बेबी? हाँ आपका तो मैं ही पकड़ूंगी बैग, ये विद टू मी। चले भैया अब हम उतरते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद पहुंचते ही सबसे पहले आई गॉट दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज फ्रॉम माय नीसेस मरियम एंड महनूर, और वो दोनों मेरी कजन सिस्टर साइमा बाजी की बेटियां हैं। एंड उन्होंने मुझे ये बहुत प्यारा सा क्यूट सरप्राइज बॉक्स सेंड किया। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और तमाम चीज़ें ही काम की थी, हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। स्पेशली ये फ्लावर मुझे बहुत ही क्यूट लगा। और इसके अलावा साइमा बाजी ने हमारे लिए रात में डिनर भी सेंड किया था, बट रात में मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, चार्जिंग खत्म हो गई थी क्योंकि मैंने पूरा टाइम ट्रेन में चार्ज नहीं किया था, और हमारा ट्रेन का सफर आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट 2 दिन का था, तो बस वो मोबाइल चार्ज पे लगा दिया था। फिर रात में ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर सकी थी, आप लोगों को रूम भी नहीं दिखाया कि हमने कहाँ स्टे किया है। तो आगे देखते हैं, सब तैयार बैठे हैं। हीरा यहाँ पर अलीजा के साथ वीडियो कॉल पे चैट कर रही है, भाभी ये रही है, बच्चे ये तैयार हैं, यहाँ ली आयरा दोबारा से तैयार होके एक और नैप ले रही है, इसकी नींद पूरी नहीं है क्योंकि रात हम लेट पहुँचे थे, और अब हम ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। नाश्ता करेंगे, बारिश रुकेगी फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह। ये हुई ना बात। तो ये है हमारे होटल रूम्स का कॉरिडोर, और मैं आप लोगों को दिखाने लगी व्यूज़। ये खुलेगी नहीं विंडोज जी जी, हाँ नीचे। ये है हमारा आउटसाइड व्यू, और हमारी गाड़ी का यहाँ नज़र नहीं आ रही, तुम लोगों का यहाँ से नज़र आ रही है। नीचे कहीं हमारी गाड़ी है, उसमें हमारा सामान लोड हो रहा है। बारिश मस्त से मस्त रुकी है, बच्चा पार्टी यहाँ खड़े हैं, ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। एक रूम हमारा ये था, मैंने आप लोगों को रूम टूर नहीं दिया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो या ये एक हमारा रूम है, इसमें हमारे पास ये 3 बेड्स थे, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस था, और एक रूम वो है जहाँ सारे बैठे हुए हैं। तू मेरा हीरो, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी फिर हो रही है। फिर शुरू हो गई? नहीं 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 हो रही, नहीं नहीं कहाँ हो रही है, कोई बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, पहले वाली बूंदे हैं। चलो बस अब हमारा नाश्ता आएगा, हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह निकलेंगे। एक रूम ये है हमारा, मुझे तो नहीं आ रही इस तरह, मुझे नहीं आ रही, शायद अभी थोड़ा बेहतर होगा तो आएगा। अच्छा स्माइल तो कर दो, चली जी चोची जी। हर किसी की लाइफ की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, और मेरी लाइफ की मेन प्रायोरिटी ट्रैवलिंग है। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा जो मेरे व्लॉग्स शुरू से देख रहे हैं कि आई लव ट्रैवलिंग। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उन जगहों पर ट्रैवल करना जहाँ पर मैं नेचर से करीब हो सकूँ और नेचर के करीब जा सकूँ, बिकॉज आई लव नेचर। मुझे इश्क है पहाड़ों से, दरियाओं से, समंदरों से और दरख्तों से, मतलब जो भी नेचर वाली चीज़ें, मुझे हर उस चीज़ से मोहब्बत है। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं नथिया गली। नथिया गली में हम जाएंगे मुशपुरी टॉप पर हाइकिंग के लिए। यहाँ हमने रास्ते में रुक के पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी, जिसको हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ट्रैवलिंग में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है जब मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, तो मैं ट्रैवलिंग को और भी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। अकेले हालार के साथ भी मैं खूब इंजॉय करती हूँ, बट फैमिली के साथ और ज़्यादा मज़ा आता है। चाल, मोशन सिकनेस हिट्स वेरी हार्ड।
मुझे सिंधु को थोड़ा थोड़ा मोशन सिकनेस ने हिट किया है, शांजे को, ऐना को, इब्राहिम को, बट मैं बिल्कुल फाइन हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलो हाली जैसे चलो ना, सामने मंकी है, हम जा रहे हैं मंकी देखने। करीब से दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। हेलो मंकीज, उसके साथ बेबी भी है छोटू सा। हवाले पर नहीं फेंकना मंकी जी, चक्कर आ रहे हैं। आओ यहाँ बैठ जाओ, कोई गंदा हो रहा है, रुको मंकी से गंदा किया। हीरा को देखो जरा, मंकी के साथ हीरा का फोटो सेशन चल रहा है। तलाल नहीं करो, आओ हीरा, मंकी से हम अटैक कर दिया था। माहिन आ जाओ, माहिन डर के वहां भाग गई है। मंकी अटैक, वो सीन रिकॉर्ड नहीं, वो नहीं रिकॉर्ड हो सका ये। चलो अरे मंकी को तो देख लो, चलो अच्छा चले, चलो चलो लेट्स गो, चलो आओ सिंधु। तो फाइनली हम लोगों ने स्टिक्स ले ली हैं और यहाँ से हम मुशपुरी टॉप के लिए ट्रैकिंग शुरू करेंगे। यहाँ से स्टार्ट है ट्रैक का, काफी ऊपर है, टाइम ज्यादा हो गया, हम थोड़े लेट हो गए, तो हमने डिसाइड किया कि जहाँ तक हम जा सके हम जाएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे अंधेरा होने से पहले पहले। तो लेट्स गो, मेरा बैग भी प्लीज।